तो साथियों फाइनली हम किला डीक का किला देखने के बाद में हम आ गए हैं आपका, ये है सिटी पैलेस, ये डीक का सिटी पैलेस। तो साथियों मैं अभी जिस जगह पर हूँ ये बहुत ही खासम खास महल है साथियों, ये है तुम्हारा सूरज महल। साथियों जो मैं आपको अभी विशेष चीज़ बताने वाला हूँ, ये सीधा सीधा आप देख रहे हैं ये पोर्शन है पूरा, ये दरवाज़ा बना हुआ है, ये एक्चुअली में ये दरवाज़ा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया, इसकी मेन खास बात ये है। लिंक के बारे में जो बात करने वाला हूँ ये साथियों केशव भवन यहाँ का मेन अट्रैक्शन है जो। हेलो साथियों फाइनली हम किला डीक का किला देखने के बाद में हम आ गए हैं आपका, ये है सिटी पैलेस, ये है डीक का सिटी पैलेस। सिटी पैलेस के बारे में खासियत क्या है ये सारी हम यहाँ पर पूरा परिसर है वो देखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किला है, सिंह पोल किला है यहाँ पर साथियों, ये देख सकते हैं यहाँ पर 3, 1, 2, 3, ये किसी भी कारण कोई वजह हो सकती है साथियों, ये पटना नहीं है पूरी तरह से। साथियों कहा जाता है इस पटने और न पटने का राज्य है कि जब महाराजा इसको काम करवा रहे थे दरवाजे का, तो उसी टाइम उन्हें युद्ध में जाना पड़ा और युद्ध में जाते समय या फिर युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी और वहाँ पर फिर ये काम अधूरा ही रह गया था। तो कारण ये है, बाकी के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि मेरे पास सूचना थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं और आगे हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पर। फवारे बहुत फेमस हैं यहाँ के डीक के, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही कलरफुल फवारों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो बहुत अच्छे कलरफुल फवारे मिलेंगे आपको यहाँ पर देखने के लिए और इधर ही आपको तालाब मिलेगा। तो यहाँ पर है ये झीलों का महल कहा जाने वाला डीक है, उसके बारे में जो अभी जो कि इसकी खूबसूरती है वह यहाँ के फवारे, यहाँ के फवारे को देखते ही आपकी यहाँ की खूबसूरती है कुछ चार चांद लगा देती है। और इस प्रकार से यहाँ गार्डन बने हुए आप देख सकते हैं, कितना अच्छा परिसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, अच्छे अच्छे जो यहाँ के महल थे उन्होंने दोबारा से रिपेयर किया है, रिनोवेशन भी हो रहा है। ये फवारे थे साथियों, ये कहा जाता है ये कलरफुल फवारे थे, रंग बिरंगे फवारे चला करते थे। और उस ज़माने में पहले इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी, लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी पहले, तो ये ग्रेविटी के द्वारा चलने का काम हुआ करता था। यानी कुछ ऐसा था कि पानी का स्तर उनको शायद ऊपर लेवल पर लाते होंगे तब ये इस पर यहाँ पर चलने का काम हुआ करता था। लेकिन अभी यहाँ पर फवारे नहीं चलते हैं, शायद आने वाले समय में चलें, अभी तो हाल फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ पानी भी नहीं दिख रहा है और ना यहाँ पर चढ़ रहे हैं। तो साथ ही ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बाकी आपको गार्डन बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर गोपाल भवन यहाँ पर सबसे मेन केंद्र रहता है गोपाल भवन का। भवन का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1756-63 ईस्वी के दौरान हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार का जो परिसर है, काफ़ी बहुत ही बड़ा परिसर है। इसको हम पूरा अगर दिन लगाएं कि चीज़ देखने को तो शायद हमारा वो दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो इस परिसर को देखने की जो झांकियां होंगी सारी वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, और देखो जैसे कि हम स्टार्टिंग में इस महल के स्टार्टिंग में प्रवेश किया था तो वहाँ पर फवारे मिले थे और फिर भी यहाँ पर फवारे हैं। देखो ये पूरा एंड तक आपको फवारे ही फवारे मिलेंगे, सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की फवारों की है। बाकी के एंड में हम चलते हैं तो यहाँ का ग्रीन गार्डन रहेगा और जो है ये संगमरमर का बना हुआ है, बीच में कुछ उर्दू में लिखा हुआ है यहाँ का, और यहाँ को थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। तो साथियों मैं अभी जिस जगह पर हूँ ये बहुत ही खासम खास महल है साथियों, ये है तुम्हारा सूरज महल है। और साथियों ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है इनका ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, यहाँ की जितने भी महल हैं यहाँ के ये फर्स्ट महल होगा जो कि वाइट मार्बल का इसमें प्रयोग किया गया है। अब साथियों हम आगे जाके हम इसमें देखेंगे जिस प्रकार से जो मार्बल यहाँ पर यूज़ किया, आप देख सकते हैं ये पूरा वाइट मार्बल का बना हुआ है। उसके साथ में फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वाइट मार्बल है और ये फवारे हैं साथ में। तो साथियों ये जो बैठने का यहाँ पर था ये शायद यहाँ पर महाराजा सूरजमल बैठते होंगे और यहाँ पर कुछ सभाएं लेते होंगे अपने मंत्रियों के साथ में, तो ये ऐसे बताया जाता है, आप देख सकते हैं पूरा परिसर। तो साथियों आप देखेंगे यहाँ से और सीधा आप अंदर पूरा एकदम, तो आप से देख सकते हैं इसका जो इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी बहुत ही नीचे है, इसका जो पटाव है महल का वो काफ़ी नीचा है। और जैसे शायद यहाँ पर बैठने का कुछ वार्तालाप के लिए या फिर कुछ मनोरंजन के काम में किया जाता हो,
लेकिन ये पूरा खासम खास महल है क्योंकि ये वाट मैरल से बना हुआ है इसकी। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा बंद है, बाकी बहुत ही शाही महल है ये महाराजा सूरज महल का। और इसके साथ में आप जाएंगे फिर इधर की तरफ देखेंगे तो आपको एक और महल दिखाई देगा जो कि ये इस महल से भी काफ़ी पुराना नज़र आता है, क्योंकि जैसे वहाँ का आप देखेंगे महल की स्थिति और यहाँ की देखेंगे तो काफ़ी बहुत ही आपको अंतर मिलेगा। तो ये पूरा वाइट मार्बल का प्रयोग है इसमें और उसमें खाली सिंपल जो कि पत्थरों का प्रयोग किया गया है। सूरज महल परिसर के चारों तरफ हम घूम के और फिर बैक साइड में आते हैं तो सेम वही स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जैसे कि आपको स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने, वहीं पर फवारे जैसे कि जिस प्रकार से फवारे मेन डोर पे थे और वहीं पर इस प्रकार का जो सेम आप इधर से उधर पूरी दोनों साइड से आप एक ही निगाह में देख सकते हो साथियों। तो ये जो फवारों की जो कला है शायद कुछ ऐसा होता होगा कि यहाँ से भी आप वार्तालाप कर सकते हैं, उधर साइड से भी आप वार्तालाप कर सकते हैं, तो सेम पोर्शन आपको दोनों तरफ से दिखाई देगा। साथियों जो मैं आपको अभी विशेष चीज़ बताने वाला हूँ, ये सीधा सीधा आप देख रहे हैं ये पोर्शन है पूरा, ये दरवाज़ा बना हुआ है, ये एक्चुअली में ये दरवाज़ा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया, इसकी मेन खास बात ये है कि ये जहाँ से युद्ध लड़ा था ये दिल्ली किले से और डायरेक्ट ये पूरा उठा के लेके आए थे, ये महाराजा सूरजमल के टाइम का है साथियों, आप देख सकते हैं इसके बारे में खास ये। और तभी ने भी इसके बारे में काफ़ी जिक्र किया है जिस प्रकार से जो वहाँ पर जाट राजाओं ने बड़ी साहस के साथ में युद्ध लड़ा था, कि उन्होंने कहा था कि कौन कहता है कि लुटेरे थे जाट पाठों में, लूट करने के लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत थी जाटों में। तो इस प्रकार की कविताओं का काफ़ी उल्लेख किया है वहाँ पर बड़े बड़े कवियों ने। तो इस प्रकार की जो थी वहाँ से जो चित्तौड़गढ़ से भी अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी सामान लूट के लेके गया था, तो वो सेम चीज़ें और महाराजा सूरजमल ने काम किया था वो उन्हें वापस लाने का। तो के बारे में जो बात करने वाला हूँ ये साथियों केशव भवन यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, जो कि एक तो मैंने आपको बताया था पहले शुरुआती जो महल के जो शुरुआती मैंने रुझान दिए थे आपको तो उसमें था गोपाल भवन और उसके बाद है केशव भवन। केशव भवन की जो खूबसूरती इसको देखती ही बनती है, जैसे आप इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो उसके चारों तरफ एक बीच में अलग से स्पेस दिया गया है, उसके चारों तरफ आपको फवारे मिलेंगे जो कि इसका मेन अट्रैक्शन किया जाता है साथियों जी। और ये बहुत ही ये जो बने हुए हैं ये परिसर है वो रूप सागर की बिल्कुल ही जस्ट बाजू में ही आप देख सकते हैं रूप सागर है। और अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि फवारे किस तरीका से यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं, किस तरीका से कंस्ट्रक्शन किया गया फवारों का। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर फवारे जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ फवारों को, देखिए यहाँ पर ये बड़े बड़े फवारे हैं और जब इस टाइम चलते होंगे तो वाकई कितना आनंदमय पूर्ण लगता होगा यहाँ पर दृश्य जो देखते ही बनता होगा साथियों। अभी ये चल नहीं रहे, आप तो पता नहीं कब से नहीं चल रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जब चलते होंगे, अब हैं तो चलते होंगे साथियों, आप चारों वक्त इसके जाओगे तो फवारे ही फवारे मिलेंगे और बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है।